डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में नई शिक्षक भर्ती के अपडेट के बारे में। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी और एग्जाम के अपडेट मिलती रहती है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल न्यूज़ आई थी कि भी प्रदेश के मतलब जो बाकी पड़ोसी राज्यों से जो रिटायर्ड शिक्षकों से शिक्षक भर्ती किए बिना जो है उनको री इंगेज करके कमी पूरी की जाएगी। तो आज ये न्यूज़ आई है, सरकार ने बनाई नई भर्ती किए बिना शिक्षकों की कमी को दूर करने की योजना। 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 500 से कम बच्चों की संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज। तो सरकार ने एक नया प्लान बनाया है कि भाई जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो 500 से कम स्ट्रेंथ वाले जो स्कूल है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी का भी बोला जा रहा है, तो उनको मर्ज किया जाएगा। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई भर्ती किए बिना शिक्षकों की कमी को दूर करने की योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार ने 500 से कम संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मर्ज कर उस स्कूल के शिक्षकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान कर शिक्षकों की कमी दूर करेगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशालय ने इसका खाका तैयार कर राज्य के सभी खंड शिक्षा अधिकारी की गत दिवस पंचकुला मीटिंग लेकर उनके क्षेत्र में कार्यरत स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या तथा एक से दूसरे स्कूल की दूरी का रिकॉर्ड तैयार कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास इतना है नहीं, बस मेन बात यह है कि भाई जो नई सरकार की योजना के अनुसार जो नई शिक्षक भर्ती किए बिना ही वो चाह रही है कि स्कूलों को मर्ज कर एक तरीके से एडजस्टमेंट हो जाए, ताकि नई भर्ती किए बिना ही कमी शिक्षकों की कमी दूरी हो जाए। तो इस तरीके से जो एचटेट पास और जो सीटेट पास यूँ हैं कहीं ना कहीं उनको इस न्यूज़ से और जो कल जो न्यूज़ आई थी उससे बहुत आहत हुए हैं वो। तो सरकार को चाहिए कि नई भर्ती करे और जो पड़ोसी राज्य से शिक्षक ना मंगा के बल्कि हमारे राज्य में ही इतने एचटेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं उनको मौका दिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू।